चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में चैप्टर नंबर 16 शुरू करते हैं, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, और जिनके लेखक हैं आनंद शंकर माधवन। देखो कि ये जो लेखक है ना, उन्होंने ये चैप्टर एक निबंध के रूप में लिखा है। ये एक निबंध, एक ऐसे की तरह ये चैप्टर दिया हुआ है, जिसका नाम ही कहते हैं कि भारतीय संस्कृति, हमारे इंडियन कल्चर में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है। तो आपको पता है, हमारा इंडियन कल्चर ही ऐसा है, पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया का ही ऐसा स्पेशल कल्चर है कि जहाँ पर गुरु और शिष्य का संबंध को बहुत ही खास माना जाता है, बराबर। लेकिन आज का समय अगर देखें ना, तो प्रेजेंट टाइमिंग में ये गुरु शिष्य का संबंध समझो ऑलमोस्ट ख़त्म होते जा रहा है, ऐसा हो चुका है। क्योंकि पहले के टाइम में गुरु और शिष्य का संबंध वो बहुत ही अनूठा, बहुत ही अलग था। पहले के टाइम में विद्यालय, जो स्कूल होते, वो जनरली या तो आश्रम जैसे होते, पता है ना, वो पहले के टाइम में राजा महाराजाओं के बेटे या और कोई भी पढ़ने के लिए गुरुओं के आश्रम में जाते थे। तो इसलिए पहले के समय में विद्यालय वो मंदिर की तरह मानते थे। जो शिक्षा देना मतलब पढ़ाना, वो एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। आध्यात्मिक अनुष्ठान मतलब कि भाई जैसे भगवान की प्रेयर करने जितना पवित्र काम, बराबर, कि सामने वाले को पढ़ाना, वो इतना इतना पवित्र काम माना जाता था। ठीक है, कैसे माना जाता था कि भाई जैसे भगवान की प्रेयर ही हो रही है इससे। ठीक है, भगवान को पाने का एक रास्ता है कि दूसरों को शिक्षा देना। पहले के समय में मानते थे कि भाई शिक्षा जो है वो पैसे देकर नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन आज के समय में ये सब बातें नहीं है ना। आज के समय में जो है वो बातें बिल्कुल बदल चुकी है कि आज के समय में शिक्षण कार्य मतलब पढ़ाना, वो एक पेट पालने का काम हो चुका है, पैसे कमाने का काम हो चुका है, बराबर ना। और अगर देखें ना, तो हमारा इंडियन कल्चर जो है ना, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसी फीलिंग्स नहीं थी। यहाँ पर हमेशा से जो है वो क्या कह सकते हैं कि पढ़ाना, जो शिक्षा होती थी, जो एजुकेशन होता था, वो हमेशा पहले आश्रम में या तो जो छोटे स्कूल भी होते थे उनमें अगर पढ़ाते थे, और तो उन्हें विद्यालय, स्कूल को एक मंदिर की तरह मानते थे स्टूडेंट, बराबर, कि जहाँ पर जो टीचर्स होते, जो गुरु होते, पहले टीचर्स को गुरु कहते, कि जो गुरु होते उन्हें साक्षात भगवान की तरह मानते थे। विद्यार्थी जो है वो ये गुरु को भगवान की तरह मानते, कि जहाँ पर उन्हें जो है वो प्रॉपर, जैसे भगवान को जैसे सम्मान दिया जाता है, वैसे ही सम्मान अपने गुरु को, अपने टीचर को दिया जाता था, बराबर ना। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ये सब चेंज हो चुका है। और जो ये चेंज हो चुका है ना, तो लेखक कहते हैं कि भाई ये चेंजेस शायद हमारा नहीं है, हमारे इंडियन कल्चर में कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि भाई एजुकेशन मतलब शिक्षा देना, पढ़ाना, वो एक व्यवसाय, एक क्या कहते हैं, बिजनेस जैसा होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं कहा गया है। कहते हैं कि शायद ये जो आज के टाइम में एजुकेशन के जैसा सिस्टम शुरू हुआ है ना, इसका रूट यूरोपियन कंट्रीज़ में से है। इसका रूट यूरोपियन कंट्रीज़ में है कि भाई शायद यूरोप में, दूसरे देशों में ऐसा माना जाता हो कि हाँ भाई पैसे देकर और फिर जो है वो पढ़ाया जाता है, बराबर ना, हमारे यहाँ पर नहीं। और ये सही भी बात है कि पहले के समय में जो ये आश्रम में जैसे पढ़ाया जाता था, पता है, गुरुकुल होता था, गुरुकुल, गुरुओं का घर होता था, वहाँ जाकर बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पर पढ़ाया जाता था। लेकिन जब से यूरोपियन पीपल्स, बाहर के देश के लोग यहाँ पर आए ना, तो उन्होंने ये सब चीज़ें चेंज की, ये सब चीज़ें बदली कि नहीं, अब एजुकेशन ऐसे नहीं, इस तरह से होनी चाहिए कि जिनमें एजुकेशन को भी एक बिज़नेस की तरह बनाया गया, बराबर। और वो धीरे 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 इतना जो है वो ये बुरी तरह से फैल गया कि हमारे यहाँ पर अब प्रेजेंट टाइम में गुरु शिष्य का संबंध बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बराबर ना, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कि अब जो है वो गुरु हैं वो भी अब वेतन भोगी बन चुके हैं। वेतन भोगी मतलब कि भाई वो भी सिर्फ पैसों के जरिए पढ़ाते हैं, बराबर ना, सिर्फ पैसों की वजह से पढ़ाते हैं। अब ऐसे गुरु आ चुके हैं स्टूडेंट, तो आज के टाइम में स्टूडेंट या जो विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं, वो भी अब ऐसे बन चुके हैं कि उन्हें पता है कि भाई अगर हम लोग पैसे दे देंगे तो पास भी हो जाएंगे और हमारा जो है वो क्या कह सकते हैं, कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। कहते हैं स्टूडेंट के माइंड में भी ऐसा हो चुका है कि अब पढ़ाई नहीं करें ना, सब पैसे से तो हो जाता है सब काम। तो जो एजुकेशन का, शिक्षा का जो रियल इम्पोर्टेंस था ना, वो रियल इम्पोर्टेंस अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सही बात है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है अब, है कि नहीं। और ये सब जैसे मैंने बताया, ये सब किसकी वजह से, तो शायद यूरोपियन कंट्री के कल्चर की वजह से। और पता है, हमारे इंडिया में तो, इंडिया के लोगों की ये एक बहुत बुरी बात है कि हमेशा दूसरे देशों में क्या चल रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग जो है वो खुद को चेंज करते रहते हैं।
नहीं दूसरे देशों में चल रहा है मतलब वो तो अच्छा ही होगा, वैसे हम लोग भी करते जाते हैं, ये बहुत बुरी बात है हम इंडियंस की, बराबर। हमेशा से अपने देश में इतनी महान महान चीज़ें हैं, यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस कभी भी नहीं समझेंगे हमारे देश के लोग, और हमेशा दूसरे देशों में वो हो रहा है ना, नहीं नहीं मतलब वो तो बहुत अच्छा है, और ऐसा आज से नहीं हमेशा से चलता आ रहा है। आपके इसी चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि जैसे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद आप सब पहचानते हो, बराबर ना, सबने सुना है नाम भाई, स्वामी विवेकानंद इतने महान जो है वो संत, इतने महान सन्यासी थे वो, ठीक है, इतने ग्रेट पर्सनालिटी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जब इंडिया में थे ना तो यहाँ पर उनको कोई भी नहीं पहचानता था, कोई भी नहीं पहचानता था, रेयरली जो है वो पूरी इंडिया में से कुछ ही गिने चुने लोग उन्हें पहचानते थे जो उनके आसपास में हो वो, बराबर। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, कि जब वहाँ पर शिकागो में जाकर उन्होंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में अपनी स्पीच दी, जब उन्होंने स्पीच दी ना तो बाहर के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने और वहाँ के लोगों ने स्वामी विवेकानंद की बहुत तारीफ़ की कि स्वामी विवेकानंद तो बहुत टैलेंटेड हैं भाई, इनमें तो बहुत ज्ञान है। और जब उन लोगों ने तारीफ़ की ना, फिर हमारे इंडिया के लोग जो है वो ये मालाएँ वगैरह लेकर स्वामी विवेकानंद के पास पहुँच गए कि नहीं नहीं ये तो बहुत बड़े इंसान हैं। तो जब स्वामी विवेकानंद पहले ही इंडिया में ही वही सब बातें समझा रहे थे तब कोई भी नहीं समझ रहा था, लेकिन उन्होंने वही बात जाकर अमेरिका में कही, अमेरिका के लोगों ने उनकी तारीफ़ की तो हमारे लोगों ने माना, तो इंडिया के लोगों ने माना, नहीं नहीं स्वामी विवेकानंद बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो पहले भी थे वो स्वामी विवेकानंद, बराबर ना, लेकिन इंडिया में उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी जब तक अमेरिका के लोगों ने उनको नहीं माना तो, मतलब है ना। हम लोग जो है वो अक्सर बस इसी देखा देखी में रहते हैं, हाँ सच में इसी देखा देखी में हम लोग अक्सर रहते हैं कि भाई बाहर के देश में अगर ऐसा हो रहा है ना तो मतलब हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए, बराबर। इसी में ही स्वामी विवेकानंद कहो, दूसरा कहो रविंद्रनाथ टैगोर के, जिनको जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई इतने सारी पोएम्स, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी, ठीक है, लेकिन कोई भी जो है वो उन्हें पूछता नहीं था, कोई भी नहीं गिनता था। लेकिन जब दूसरे देश में उनको नोबेल प्राइज़ मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को जब वहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला, तब जो है वो हमारे इंडिया के सभी लोग जो है वो गिनने लगे, नहीं नहीं इतने बड़े कवि हैं, इतने बड़े जो है वो लोग हैं ये, कि जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला तो, कि जब बाहर के लोगों ने अवार्ड दिया उनको तो, भाई तब तक जो है वो कोई भी नहीं, तब तक उन्हें इंडिया में कोई भी नहीं पहचानता था। हम लोग बाहर से ही तो देखा देखी करते हैं, पता है हमारे साउथ इंडिया में फेमस डांसेस हैं भरतनाट्यम, कथकली, कोई भी जानता पहचानता नहीं था कि भाई ऐसे भरतनाट्यम या कथकली जैसे कोई डांसेस भी होते हैं, कोई इम्पोर्टेंस उसको नहीं देता था। लेकिन वहाँ के कुछ लोग जब विदेश में गए, दूसरे देश में गए, वहाँ पे भरतनाट्यम कथकली जैसे डांसेस वहाँ पर किए उन्होंने, बराबर ना, और तब वहाँ के लोगों ने बहुत तारीफ़ की कि भाई इंडिया का डांस इतना ग्रेट है, इतना बेस्ट डांस वहाँ पर होता है। जब बाहर के लोगों ने तारीफ़ की ना, दूसरे देश के लोगों ने, तो हमारे देश के लोग समझे कि हाँ भाई इंडिया में इतने महान डांसेस भी होते हैं। तब तक इंडिया में उसकी इम्पोर्टेंस मतलब समझो कोई 1% लोग भी नहीं मानते थे। अब जब बाहर के देश के लोग मानते हैं तो देखो ना, ये ऐसा है ना कि भाई यहाँ पर हमारे देश के लोग अक्सर उनके माइंड में यही है, बाहर के देश की चीज़ें मतलब वो अच्छी होनी है, वो कर रहे हैं मतलब सही है, जब हम खुद सामने से कहते हैं तब कुछ भी नहीं। हमारे देश के लोग बाहर के देशों में घूमने जाते हैं, ठीक है ना, विदेश में घूमने जाते हैं, अरे वहाँ पे तो इतनी शानदार वो बिल्डिंग बनी हुई है, इतनी शानदार चीज़ें हैं, इतनी ग्रेट चीज़ें हैं। अरे उन्हें छोड़ो कि भाई सिर्फ जो है वो क्या कह सकते हैं, आप इंडिया में आकर ही इंडिया की चीज़ें घूमो ना, बाहर के देश के लोग यहाँ आकर वो चीज़ें कहते हैं कि भाई यहाँ इंडिया ग्रेट है, हमारे देश में तो कुछ भी नहीं है। और जबकि हम लोग अपने ही देश की इम्पोर्टेंस नहीं समझते। आप कभी इंडिया में घूमो कि यहाँ की अजंता एलोरा की गुफाएं घूमो, कि भाई यहाँ पर जो है वो क्या कह सकते हैं, ताजमहल जैसे प्लेसेस घूमो, बराबर, यहाँ पे साउथ इंडिया के बीचेस घूमो, ठीक है, गोवा के चर्चेस घूमो, ये प्लेसेस हैं। इंडिया में भी हर शहर में ऐसे देखने लायक हज़ारों प्लेसेस हैं, लेकिन हम लोग नहीं, इंडिया क्यों घूमें, हम तो बाहर के देश में घूमेंगे, ये देखा देखी हम में है, बराबर ना। आज के टाइम में एजुकेशन भी कहते हैं कि भाई नहीं नहीं यहाँ इंडिया में पढ़ने से क्या मिलेगा, हम तो बाहर के देश में जाकर पढ़ेंगे, बराबर, ऐसे कहाँ जाता है कि एजुकेशन के लिए भी लोग, स्टूडेंट जो है वो बाहर के देश में जाने की इच्छा रखते हैं। जबकि जो पहले का समय था
कि जहाँ पर जो है वो बाहर के देश के लोग मैक्स मूलर जैसे पर्सन, मैक्स मूलर पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े फिलोसोफर्स में से एक थे, वो मैक्स मूलर जैसे पर्सन वो लिटरली प्रेयर करते थे कि मुझे इंडिया के कॉलेज में, इंडिया की यूनिवर्सिटी में, जो पहले के समय की यूनिवर्सिटी थी इंडिया में, इंडिया में फेमस यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटीज़, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में थी, और इतने बड़े बड़े लोग वो लिटरली प्रेयर करते थे कि हमें इंडिया में एडमिशन मिल जाए तो अच्छा, हम इंडिया आकर पढ़ाई करेंगे। वो ज़माना था कि जहाँ पे इंडिया की एजुकेशन इस लेवल पर थी, बरोबर ना, कि भाई उन लोगों ने लिटरली प्रेयर होती थी कि भाई हमें इंडिया में एडमिशन मिल जाए तो अच्छा है, हम यहाँ आकर पढ़ेंगे। और आज के समय में, आज के समय में देखो क्या हालत है कि हम लोग बाहर के देशों में जाकर पढ़ते हैं ना तो लगता है कि हाँ भाई हमने पढ़ाई की, इंडिया में क्या पढ़ाई होती है। ऐसा तो सोचो कि जो लोग ऐसी सोच आज के समय में रखते हैं कि जहाँ पे वो अपने देश को नहीं दूसरे देश को महान मानते हैं, तो इन लोगों को अगर हम गुरु शिष्य के संबंध के बारे में भी समझाने जाएंगे तो वो समझेंगे? बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, बरोबर ना। आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग होंगे कि जो हमेशा एक ही राग अलापते हैं, नहीं नहीं इंडिया में तो कुछ भी नहीं, इंडिया में नहीं, वो देखो अमेरिका में कैसा चलता है, वो देखो यूरोप में कैसा चल रहा है, वो देखो वहाँ कैसे चल रहा है, बस बाहर के देशों की देखा देखी। तो इन लोगों को इंडिया की कोई भी इम्पोर्टेंस बताओ ना, वो कभी भी नहीं समझेंगे। और हमारा जो चैप्टर है गुरु शिष्य के संबंध के बारे में, तो ऐसा गुरु शिष्य का संबंध अगर इन्हें समझाने जाओ ऐसे लोगों को, तो समझो वो कहते हैं ना भाई भैंस के आगे बीन बजाना है ना, या गधे को गणित सिखाना, इतना ख़राब है, बरोबर, कि वो सामने वाला समझेगा ही नहीं कभी। और हमारे यहाँ पर गुरु शिष्य का संबंध सबसे अनोखा है हमेशा से। यहाँ पर हमेशा हर गुरु वो यही चाहता है कि उसका शिष्य, उसका स्टूडेंट वो हमेशा खुद से आगे रहे, खुद से आगे रहे, हमेशा वही चाहता है। इसका एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि एक बार जो है वो हमारे इंडिया के ही बहुत बड़े पहलवान हैं, बहुत बड़े पहलवान, गामा पहलवान, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, बहुत पहले थे कि इंडिया के बहुत फेमस पहलवान रेसलर थे, गामा रेसलर, वो एक बार मुंबई आए थे, बरोबर। और मुंबई में आकर उन्होंने जो है वो दुनिया के सारे पहलवान, पूरे वर्ल्ड के, हाँ पूरे वर्ल्ड के जितने भी पहलवान थे ना, उनको चैलेंज किया था कि जिसको भी मेरे साथ कुश्ती लड़नी हो ना तो आ जाओ मुंबई, यहाँ पर आकर मेरे साथ कुश्ती लड़ो। गामा पहलवान सच में इतने ग्रेट थे, इतने बड़े वो पहलवान थे, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने चैलेंज फेंक दिया था। तो जब पूरे वर्ल्ड में उन्होंने चैलेंज फेंका, और हाँ उस बार उनकी कंपटीशन हुई भी थी जिसमें गामा पहलवान ही जीते थे, इतने ग्रेट वो थे। तो जब ये न्यूज़ हर पेपर में छप गई ना कि भाई गामा पहलवान ने जो है वो इतना बड़ा चैलेंज दिया है सबको, हर जगह पर जब ये न्यूज़ पहुंची, तब जो है वो एक पारसी पत्रकार थे, एक पारसी रिपोर्टर थे, वो आए इन गामा पहलवान के पास और उनसे पूछा, रिपोर्टर थे ना तो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उन्होंने गामा पहलवान से पूछा कि भाई आप जो है वो ये एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो कि भाई दुनिया के कोई भी जो है वो रेसलर हो वो मुझसे आकर लड़े, तो भाई आप जो है वो अपने पूरी दुनिया से तो लड़ लोगे, लेकिन उससे पहले अगर जो है वो आप लोग अपने ही स्टूडेंट से आप जीत के बताओ ना तो मैं कुछ मानूँ, बरोबर। ऐसा कि उस पारसी पत्रकार ने क्या कहा कि भाई आप जो है वो पूरे दुनिया के रेसलर से तो लड़ जाओगे, लेकिन पहले, सबसे पहले आपके जो शिष्य हैं, आपके जो स्टूडेंट हैं, पहले आप अपने स्टूडेंट से तो लड़ के दिखाओ, बरोबर। जब उस रिपोर्टर ने ऐसा कहा ना, तो वो जो क्या कह सकते गामा पहलवान थे वो हंसने लगे, बरोबर ना, वो हंसने लगे। और फिर उन्होंने धीरे से कहा कि भाई देखो मैं हिंदुस्तानी हूँ, है ना, उस गामा पहलवान ने कहा कि देखो मैं इंडियन हूँ और मुझे पता है कि भाई यहाँ का जो है वो कल्चर कैसा है, शायद आपको जो है वो इसका पता नहीं है। गामा पहलवान ने उस रिपोर्टर को ही कह दिया कि आपको यहाँ का जो है वो पता नहीं है कि जिन स्टूडेंट के बारे में आप बात कर रहे हो ना, जिन स्टूडेंट से लड़ने के लिए कह रहे हो कि भाई वो मुझे मेरे बेटे से भी ज़्यादा प्यारे हैं, तो अगर मैं उनके साथ लड़ूँ ना तो वो जीते या मैं जीते उसमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा, बरोबर ना, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा, सही बात क्या नहीं। गामा पहलवान ने सीधा ही कह दिया कि अपने स्टूडेंट से अगर मैं जीत पाऊँ तो वो फिर बात ही क्या हुई, क्योंकि यहाँ का गुरु शिष्य संबंध हमेशा यही कहते हैं कि भाई हमेशा गुरु यही चाहता है कि भाई मेरा शिष्य वो मुझसे भी दो कदम आगे रहे। तो गामा पहलवान थे ना, तो गामा पहलवान ने पूरी दुनिया से जो है वो चैलेंज ले लिया था कि भाई मैं किसी से भी लड़ाई करूँगा,
लेकिन जब उनको कहा गया कि अपने शिष्यों से ही लड़ो, तो वो हंस रहे थे कि भाई शिष्यों से लड़ने से क्या फ़ायदा, कि अगर उनके सामने लड़ूंगा तो वो तो मुझसे भी आगे होंगे। बराबर ना, कि भाई गुरु शिष्य में यही तो एक खासियत है ना, कि गुरु हमेशा अपने शिष्य के सामने हारना चाहता है। बराबर ना, गुरु खुद अपने शिष्य के सामने हारना चाहता है। वो हमेशा यही चाहता है कि भाई मैंने जितना काम नाम कमाया है ना, कि भाई उससे ज़्यादा नाम मेरा शिष्य का होना चाहिए। बराबर ना भाई, मैंने जितना काम किया है उससे ज़्यादा काम जो है वो मेरे शिष्य के पास होना चाहिए। हर गुरु की यही इच्छा होती है। तो देखो कि सच में गुरु शिष्य का असली संबंध यही कहलाता है। पहले के समय में भी यही थे कि जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को हर चीज़ सिखाते थे कि जिससे शिष्यों की ज़िंदगी वो उज्ज्वल बने, शिष्य जो है वो सबसे आगे रहें, उनको हर चीज़ सिखाई जाती थी। बराबर, आज गुरु शिष्य का वो संबंध गिने चुने साधु हैं, कुछ पहलवान हैं, कुछ संगीतकार हैं, बस उनके बीच ही रह चुका है। अब उनके बीच में ही ऐसा संबंध देखने को मिलता है, बाकी ऑलमोस्ट नहीं। एजुकेशन के टाइमिंग में तो आपको पता ही है कि आज के एजुकेशन सिस्टम ऐसे हो चुका है कि जहाँ पर हर गुरु शिष्य, हर टीचर हो या स्टूडेंट हो, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से जो है वो पढ़ाई में जुड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं। बराबर, और दूसरी एक बात कहते हैं, जैसे आपको पता है पहले के समय में, आज भी जो सच्चे शिष्य हैं ना, बराबर, जो सही में स्टूडेंट माने जाते हैं, एक सही स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या है, एक जस्ट अगर आपको बताऊँ ना, तो एक सही स्टूडेंट वो कहलाता है कि जो अपने गुरु की, अपने टीचर की, बराबर, या जिनसे भी वो सीखता हो, भले अपने माता पिता से सीखे, अपने टीचर से सीखे, अपने दोस्तों से सीखे, कहीं से भी, वो जिससे भी अपना गुरु मानता हो ना, तो उसकी हर एक बात को वो बिना जो है वो शक किए मानता हो, तो वो सच्चा शिष्य कहलाता है। बराबर ना, बिना शक किए अगर वो मान लेता हो ना, तो ही वो सच्चा शिष्य कहलाता है। बराबर, आज के टाइम में जो है वो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई भी, जब गुरु कोई भी, मतलब टीचर अगर अपने स्टूडेंट को कहता है ना कि भाई तुम जो है वो ऐसा करो, तो स्टूडेंट जो है वो सीधा ही मना कर देते कि नहीं नहीं इससे मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, मैं ये कुछ नहीं करूँगा, है ना भाई, आप जो है वो ये खाली खाली कह रहे हो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। स्टूडेंट टीचर की बातें मानना वो समझो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, जबकि सही शिष्य वही कहलाता है जो अपने गुरु की हर एक बात बिना शक किए मान लेता हो। हाँ, सवाल पूछना सही है कि ये क्यों होता है, सवाल पूछना सही है, लेकिन उसके बाद विश्वास होना, गुरु के ऊपर विश्वास होना, ये सबसे बड़ी बात है जो आज के समय में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और जैसे पहले होता था ना कि हर एक शिष्य ये चाहता था कि भाई मुझे अपना एक सही गुरु मिले, कि ऐसा गुरु मिले जो मेरा जीवन सुधार सके। और आपको पता है जैसे हर शिष्य चाहता है ना कि भाई मुझे एक अच्छा गुरु मिले, तो वैसे ही हर गुरु की भी इच्छा होती है। हमेशा से ये भी कहा जाता है, गुरु और शिष्य का ये संबंध खास है, कि भाई हर गुरु को ये इच्छा होती है कि भाई मुझे भी एक ऐसा शिष्य मिले जो सबसे लायक हो। बराबर ना, ऐसा शिष्य, जैसे शिष्य जो है वो गुरु पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं ना, वैसे सच में गुरु भी एक लायक शिष्य के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि भाई रामकृष्ण परमहंस थे कि जिन्होंने सालों तक जो है वो कोशिश की थी कि उन्हें सबसे अच्छे शिष्य मिले। वो हर गुरु, पता है ये क्यों चाहता है, क्योंकि हर गुरु के पास कुछ खास ज्ञान होता है, और वो ज्ञान वो हमेशा चाहता है कि भाई वो अपने किसी खास शिष्य को दे सके। हर गुरु के पास ऐसा ज्ञान होता है, लेकिन सभी शिष्य वो ऐसे लायक नहीं होते कि जो गुरु का पूरा ज्ञान ले सके। बराबर, इसलिए गुरु को भी जो है वो अपने शिष्यों की क्या कह सकते हैं, इच्छा रहती है कि भाई मुझे भी एक ऐसा शिष्य मिले कि जिसे मैं सब कुछ सिखा सकूं। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो है वो उन्होंने सालों तक लिटरली कोशिश की थी, तपस्या की थी कि भाई मुझे कोई एक ऐसा शिष्य मिलना चाहिए कि भाई जिसे मैं सब कुछ जो है वो समझा सकूं। और उन्हें कौन मिले थे पता है, रामकृष्ण परमहंस को मिले थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद मिले थे, तो आप सोचो रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को जो नॉलेज दी, जो उनको ज्ञान दिया, वैसा ज्ञान उन्होंने शायद और किसी को भी नहीं, उनके दूसरे भी शिष्य थे, सबको उन्होंने सिखाया। लेकिन हर गुरु ये चाहता है कि भाई मुझे एक सबसे अच्छा शिष्य मिलना चाहिए। बराबर ना, कि जहाँ रामकृष्ण परमहंस ने
वो स्वामी विवेकानंद को जो जो शिक्षा दी, तो हमें भी पता है कि आज रामकृष्ण परमहंस से ज़्यादा नाम वो स्वामी विवेकानंद का है ना। उनको कोई नहीं पहचानते, लेकिन उनके शिष्य वो स्वामी विवेकानंद को सब हर कोई पहचानते है कि नहीं? सही बात है ना। तो हर गुरु जो है वो लिटरली जो है वो प्रेयर करता है कि भाई मुझे भी जो है वो एक शिष्य मिलना चाहिए। जो सच्चा गुरु होता है वो तो ये कहता है कि भाई पूरी ज़िंदगी उसे संतान न मिले, उसका कोई बेटा ना हो ना तो वो चलेगा, लेकिन अगर कोई लायक शिष्य ना हो ना तो वो नहीं चलेगा। बराबर, हर गुरु की ये इच्छा होती है कि घर में बेटा ना हो ना तो वो चलेगा, लेकिन एक लायक शिष्य ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, भगवान ईसा जो थे, जीसस क्राइस्ट ने भी हमेशा ये कहा है कि भाई मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो अनुयायी, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, भाई वो मुझसे ज़्यादा महान है। कि भाई मेरे अंदर तो मेरे फॉलोअर्स की जूती जितनी भी जो है वो योग्यता नहीं है। बराबर ना भाई, मैं तो उनके जूते जितना भी नहीं हूँ। जीसस क्राइस्ट ने खुद ऐसा कहा है और हमेशा वो कहते रहते हैं। बराबर, कि देखो कि सही बात है ना, कि भाई गांधी जी जैसे थे, जस्ट इमेजिन करो कि गांधी जी में जो क्वालिटीज़ थी ना, तो उनसे ज़्यादा क्वालिटीज़ उनके शिष्य में होनी चाहिए, तभी तो वो उनसे वो क्वालिटीज़ ले सकते हैं ना। अगर आप किसी से कोई चीज़ सीखते हो तो इसका मतलब पता है कि आप में ज़्यादा क्वालिटीज़ है उससे, क्योंकि आप उससे सीख पा रहे हो, है ना। उसमें तो होगी ही होगी, लेकिन उससे ज़्यादा क्वालिटी आप में है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि भाई गुरु जितना महान होता है ना, हमेशा शिष्य वो गुरु से ज़्यादा महान होता है। कि भाई गुरु तो सिर्फ बात बताता है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास रखना, उसको सीखना, उसको अमल करना, ये काम शिष्य का होता है। और इसीलिए गुरु से ज़्यादा महान हमेशा शिष्य होता है। तो जैसे शिष्य हमेशा कहता है ना कि भाई मुझे एक लायक गुरु मिलना चाहिए, तो वैसे हर गुरु की भी इच्छा होती है कि भाई मुझे जो है वो एक लायक क्या मिलना चाहिए, तो शिष्य मिलना चाहिए। बराबर, सही बात है कि नहीं? यहाँ पर हमेशा हमेशा जो है वो गुरु से ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो शिष्य को दी गई है। और सच्ची में जब शिष्य महान होता है ना, तो ही वो गुरु को इम्पोर्टेंस दे पाता है। बराबर, गुरु की भी इम्पोर्टेंस तभी होती है कि जब जो है वो उसका शिष्य खास हो। तो अगर शिष्य खास नहीं है, अगर शिष्य जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई गुरु की बात मानने वाला नहीं है, तो न शिष्य की इम्पोर्टेंस होगी और ना ही गुरु की इम्पोर्टेंस होगी। बराबर, और दूसरा, हमारे गुरु शिष्य के बारे में ये कहते हैं कि हमारे भारत में गुरु और शिष्य में कभी भी जो है वो जाति भावना नहीं रही है। बराबर, कि भाई जातियों का भेदभाव वो हमारे यहाँ पर कभी भी नहीं है। हमारे यहाँ पर कितने सारे ऐसे मुसलमान पहलवान है कि जिनके शिष्य हिंदू हैं, कि जिन्होंने हिंदू जो है वो लोगों को कुश्ती सिखाई है। बराबर, और कितने सारे जो है वो ऐसे संगीतकार हैं, हिंदू संगीतकार, कि भाई जिनके शिष्य जो है वो मुसलमान हैं। बराबर, यहाँ पर गुरु जब अपने शिष्य को पढ़ाता है ना, तो उनके गुण देखता है, उसके अंदर क्वालिटीज़ देखता है कि भाई वो शिष्य कैसा है, वो नहीं देखता कि भाई वो कौन सी जाति का है। बराबर ना, जाति भावना कभी भी नहीं देखी जाती उसमें, कि ना कोई जो है वो क्या कह सकते हैं ये कौन सी कास्ट का या क्या, कभी भी नहीं देखा जाता। उसके आचार विचार देखे जाते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है ये देखा जाता है खास। बराबर, यहाँ पर जो है वो क्या कह सकते हैं कि कितने सारे ऐसे हिंदू लोग भी हैं कि जो मुसलमान लोगों को जो है वो उनकी कुरान की आयतें पढ़ाते हैं, और कितने सारे ऐसे मुसलमान भी हैं कि जो हिंदुओं को भगवद गीता तक पढ़ाते हैं। बराबर, तो यहाँ पर गुरु शिष्य का संबंध में जाति भावना कभी भी नहीं होती। बराबर, कभी भी नहीं। तो ये गुरु शिष्य का असली संबंध है ना, ये होना चाहिए, जो यहाँ पर हमने देखा। लेकिन आज के समय में कितना जो है वो बदल चुका है। पहले के समय में जो गुरु थे ना, वो गुरु जो है वो हमेशा सेवा देते थे, अपने शिष्यों की सेवा करते थे। सेवा यहाँ सेवा का मतलब होता है कि भाई सामने वाले को सिखाना, सामने वाले की हर बात जो है वो उसे समझाना, तो ये एक सच्ची सेवा कहलाती है। और हमेशा सेवा के लिए तो यही कहा जाता है कि सेवा देने की चीज़ है, सेवा लेने की चीज़ नहीं है। कभी किसी से सामने से सेवा लेनी नहीं चाहिए कि भाई मेरे लिए ये काम करो ना, है ना भाई, मेरी ये सेवा करो ना। कभी भी सामने से सेवा लेनी नहीं चाहिए, सेवा तो देनी चाहिए, देने की चीज़ है। लेकिन आज के समय ये सब बदल चुका है ना, कि आज के समय के जो गुरु हैं वो सेवा देने में नहीं, सेवा लेने में विश्वास करते हैं।
बरबर ना, वो अपने शिष्यों से खुद काम करवाते हैं कि भाई मेरे लिए ये काम करो, मेरे घर का काम करो, मेरी ये सेवा करो। बरबर, गुरु जो है वो शिष्य से सेवा करवाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। गुरु शिष्य का संबंध यहाँ ख़त्म हो जाता है कि नहीं? तो ये चीज़ ध्यान रखो कि गुरु और शिष्य का संबंध तभी सही बनता है कि जब गुरु भी सेवा देने में जो है वो विश्वास करता हो, कि भाई अपना पूरा समर्पण दिखाता हो कि नहीं मुझे अपने शिष्यों के लिए कुछ करना है, और जहाँ पे शिष्य वो शिष्य भी अपने गुरु के प्रति पूरा समर्पित हो कि नहीं जो गुरु बोल रहे हैं ना मुझे उसकी पूरी बात माननी है, कि मुझे गुरु के रास्ते पर चलना है, कि जो जहाँ पर गुरु पहुँचे हैं मुझे उनके रास्ते पर चलना है और अपने जीवन को सुधारना है। जब गुरु और शिष्य दोनों अपने अपने फर्ज, अपने अपनी ड्यूटीज़ वो सही तरह से निभाएंगे ना, गुरु भी एक लायक गुरु की तरह काम करेगा और शिष्य भी एक लायक शिष्य की तरह काम करेगा, तो ही जो है वो हमारे यहाँ पर गुरु और शिष्य का संबंध टिका रहेगा। बराबर समझ आई बात? तो देखो, आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना हिंदी का, इतना अच्छा ये चैप्टर, वैसे ही अब इनके दूसरे चैप्टर्स, दूसरे पॉइंट्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।